तो सो हम बात करेंगे डीएलएफ के स्टॉक के बारे में। डीएलएफ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पे स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.1% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आज की गिरावट था स्टॉक ने अपने सपोर्ट को यह ब्रेक कर दिया जिसके ऊपर स्टॉक पिछले कुछ समय टिका हुआ था। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अब हमको स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है क्योंकि अभी हमारे पास जो स्टॉक में ट्रेंड था वो हायर हायर ट्रेंड था। अब स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया है, अब यहाँ से स्टॉक में लोअर लोअर ट्रेंड यहाँ पर देखने मिल सकता है। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अब स्टॉक में हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 456, और अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 427 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट टाइप सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में अगर यहाँ से तेज़ी आती है तो यहाँ से अब तेज़ी कंडीशन में हमारे पास स्टॉक है 480 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको स्टॉक है 495, और अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 520 और 550 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट टाइप रेजिस्टेंस। फिलहाल तो हमको यहाँ पर स्टॉक में सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। धन्यवाद।